नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में 2016 में पूछे हुए सभी क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमारा आज का चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन। जीव विज्ञान की यह सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा आज का चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन। यह हमारा छठा चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें से जीवाणुओं से होने वाले रोग, उनके कारक, और पिछला ही चैप्टर हम लोगों ने किया था रक्त परिसंचरण तंत्र और हार्मोन। यह हमारा चैप्टर है, इससे पहले ही हम लोगों ने किया था, इससे पहले ही हमने मानव शरीर तंत्र तथा विटामिन और खनिज से संबंधित चैप्टर किया था। तो सारे ही चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सारे वीडियोज को आप देखेंगे, ठीक है, जिससे कि इस बार जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा आपको हेल्प हो सके, ठीक है, आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को आराम से कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र और हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से हमारा पहला ही क्वेश्चन है, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह एक क्या है। प्लाज्मा जो है एक द्रव है, ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। यह रुधिर का हल्के पीले रंग का पारदर्शक तरल होता है, तरल पदार्थ है। इसमें लगभग 91% जल होता है और शेष 9% भाग इसके कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ABO खून प्रणाली ग्रुप जो प्रणाली है इसका आविष्कार किसने किया था। ABO खून जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, इसका खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ABO रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 ईस्वी में, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति कैसा होता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, AB और O रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, या सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, या फिर किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, या न तो सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही सार्वभौमिक दाता है। तो AB रक्त वाला जो वर्ग है, AB ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वह कैसे होते हैं। तो यह लोग किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। AB रक्त वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में एंटीजन पाया जाता है A तथा B, और यह दोनों उपस्थित होते हैं एंटीजन, जबकि सीरम में दोनों एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी अनुपस्थित रहते हैं। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है, इसीलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, या किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है हमारी। तो वह छोड़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव रुधिर से प्रोथ्रोम्बिन का स्रावण होता है जो रक्त स्राव को रोकने में सहायता करते हैं। क्षतिग्रस्त रुधिर कोशिकाओं से निकली रुधिर प्लेटलेट्स विघटित होकर एक फास्फोफ्लोरिड युक्त करती हैं, जिसे प्लेटलेट्स फैक्टर 3 या प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ये विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के उपरांत फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण को प्रेरित करता है। फाइब्रिन के लंबे लंबे ठोस व महीन सूत्र घने जाल के रूप में चोट पर जम जाते हैं। अनेक रुधिराणुओं इस जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार चोट पर 2 से 8 मिनट के अंदर ही रुधिर का लाल थक्का जम जाता है। अतः घायल रुधिर वाहिनियों से रक्त स्राव रुक जाता है और इसे ही रुधिर स्कंदन या हीमोस्टेटिस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामान्य मानव का रुधिर बहने का समय और जमने का समय क्या होता है। तो रुधिर बहने का समय क्या होता है और रुधिर को जमने में कितना समय लगता है, यह आपसे पूछा गया है बेसिकली। तो यह होता है आपका 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट। रुधिर बहने में 2 से 7 मिनट तक लग सकते हैं और जमने में 3 से 10 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर तक खून पाया जाता है। वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून पाया जाता है, तो यह लगभग 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। शरीर के भार का 7 से 8% तक मनुष्य के शरीर में खून पाया जाता है। अतः एक 70 किलोग्राम अगर मनुष्य का औसतन वजन मान लिया जाए तो 5 से 6 लीटर तक खून होता है। यह शरीर का 1/13 भाग घेरे रहता है। स्त्रियों में रुधिर की मात्रा 4 से 5 लीटर तक होती है, लगभग 20 से 25% कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त अल्पता की स्थिति किसकी वजह से होती है। रक्त अल्पता यानी खून की कमी किसकी कमी से होती है। रक्त अल्पता की स्थिति किसकी वजह से होती है, मतलब खून की कमी किस वजह से होती है, यह बेसिकली हमसे पूछा गया है। तो यह होती है आरबीसी की कमी से। आरबीसी यानी लाल रुधिराणुओं की व्यापक विनाश या धीमे निर्माण के कारण और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से रक्त अल्पता या रुधिर छिड़ता रोग हो जाती है। इसके विपरीत अगर रुधिर में लाल रुधिराणुओं की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाए तो बहुलोरिता रक्तता या पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नीचे कथन दिए हुए हैं और उसके कारण दिए हुए हैं। अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए में कहा गया है आपसे, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। और कारण आर दिया हुआ है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। सही विकल्प आपसे चुनना है कि क्या ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा विकल्प है ए गलत है लेकिन आर सही है, तीसरा आपसे कहा गया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है, चौथा विकल्प आपसे कहा गया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो शुरू में ही ए जो अभिकथन कहा गया है उसमें यह कहा गया है कि ओ रक्त समूह की व्यक्ति की जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको कहा गया है कि यूनिवर्सल प्राप्त करता है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप वह है यूनिवर्सल प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसीलिए ए विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला विकल्प आपका गलत है जिसमें कहा गया है कि ए गलत है लेकिन आर सही है, तो आर आपका सही है। यानी इसका जो कारण बताया गया है कि ओ प्रकार में ओ वाले ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं होता है वह सही है, एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, प्राप्तकर्ता नहीं है यह सर्वदाता है। ए बी वाले को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ठीक है, ए बी वाले को, क्योंकि इनके लाल रुधिराणुओं में कोई एंटीजन नहीं होता है तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, अतः दिए गए प्रश्न में ए वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ रक्त समूह और उनके एंटीजन और एंटीबॉडी के नाम दिए गए हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपको एग्जाम में। जैसे यहाँ पर रक्त समूह ए है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी स्मॉल बी पाया जाएगा। अगर हम रक्त समूह बी की बात करें, ब्लड ग्रुप बी की बात करें, तो उसमें एंटीजन पाया जाएगा बी और उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए पाया जाएगा। रक्त समूह ए बी में हमको एंटीजन मिलेगा ए और बी दोनों, लेकिन उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक दाता कहते हैं, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडी रक्त समूह अगर ओ की बात की जाए तो उसमें एंटीजन की उपस्थिति नहीं रहती है लेकिन इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन दिए गए हैं, एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण हीमोपायसिस कहलाता है। दूसरा हमको दिया गया है, किसी जहरीले पदार्थ का विसहरण या निराकरण। लंबी हड्डियां प्रायः खोखली होती हैं, उनकी गुहाओं में भरा कोमल ऊतक तथा अस्थि मज्जा रुधिरोत्पादक होती है, अर्थात इसमें रुधिराणु बनते हैं, इसे ही हीमोपोएसिस कहते हैं। तो हीमोपोएसिस क्या होता है, हीमोपोएसिस वह होता है जिसमें अस्थि मज्जा पाई जाती हैं। ठीक है, रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडीज विषैले और असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन करते हैं।
गुर्दे का मूल कार्य रुधिर को छानकर इनमें अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना होता है। तो किडनी का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? ब्लड के जो अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छानना। तो खून को छानने का काम कौन करता है? गुर्दे करते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद रहती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद रहती है? हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में पाया जाता है उसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है। लोहे की लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, इसमें लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। इसकी सहायता से रक्त में O2 की तीव्र संरक्षण संभव हो पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है, तो यह है अग्न्याशय या पाचक ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मटर के दाने के बराबर हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है? वह अग्न्याशय या पाचक ग्रंथि है, ठीक है। इसकी व्याख्या चलिए देख लेते हैं। अग्न्याशय जो होती है वह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसको पचाने के लिए एंजाइम स्रावित होते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका अग्न्याशय का एक भाग है जिसमें इंसुलिन, ल्यूकेगान और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सही ढंग से इसको मिलान करना है। यहाँ पर आपको हार्मोन्स दिए गए हैं और उसके स्राविस ग्लैंड दिए गए हैं, ठीक है। पहला आपको दिया गया है कोलिप के हार्मोन, उसके बाद आपको दिया गया है एल्डोस्टेरोन, उसके बाद आपको दिया गया है प्रोलैक्टिन, उसके बाद मेलाटोनिन। आपको मिलाना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो इसमें से मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ आपको, इसमें आपका विकल्प सी सही होगा, ठीक है। सी यानी आपका हो जाएगा पी का सी में सही होगा, यहाँ से यहाँ पर। क्यू का ए सही होगा यानी यह यहाँ पर मिलेगा। आर का डी सही होगा यानी यह यहाँ पर सही होगा। यस का बी सही होगा यानी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कोलीप के हार्मोन जो होते हैं वह पैराथायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन जो होते हैं वह अधिवृक्क ग्लैंड से निकलते हैं, प्रोलैक्टिन जो होते हैं वह पीयूष ग्रंथ से निकलते हैं, मेलाटोनिन जो होते हैं वह पीनियल ग्रंथ से निकलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? वह होता है इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन जो है उसकी खोज बैटिंग और बेस्ट ने किया था, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन निर्माण की क्रिया पर नियंत्रण करता है। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। जब इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे मधुमेह नामक या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ठीक है। यह अग्न्याशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसके अल्प श्रावण से ग्लूकोज की रुधिर में मात्रा बढ़ जाती है और उसके बाद मधुमेह की समस्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन, तो इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे पूर्व में एनटीपीसी एग्जाम में जो कि 2016 में सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था। तो इस चैप्टर से आपने इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए। अब विकल्पों पर भी ध्यान दीजिए, चार विकल्प होते हैं, उन चार विकल्प से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप तैयार कीजिए, जिससे कि इस बार जो परीक्षा पूछा जाएगा परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से कर पाएँ। और आगे के वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। आगे के वीडियो के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।